पूरा पानी यहाँ से जब आता है और जब नीचे आता है ये पूरा जम जाता है, इतना ज़बरदस्त टेम्परेचर यहाँ पे है। माइनस में -10 टेम्परेचर भी यहाँ पे। अभी हमने लगभग 3 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ेगा। अच्छा, 3 किलोमीटर का ट्रैक करने के बाद जाके हम नीलकंठ पर्वत के बेस पर पहुँचेंगे और तब जाके हम लोग वहाँ से जो दर्रा है वो हमें साफ साफ नज़र आएगा। तो यानी कि आज का जो ये ब्लॉग है बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। जहाँ तक मज़ेदार तो होगा ही, एग्जॉस्टिव भी होगा। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। और ये जो ब्लॉग है ये बन रहा है बद्रीनाथ धाम मंदिर में, क्योंकि बद्रीनाथ मंदिर में मैं चले गया था। वाला ब्लॉग शायद आपने देख ही लिया होगा। और जो ब्लॉग ये अभी बनने वाला है, ये मैं आपको एक ख़ास नई जगह लेके जाने वाला हूँ। बद्रीनाथ मंदिर के ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, वहाँ पे एक वाटरफॉल भी है। उस वाटरफॉल को देखने हम जा रहे हैं। पीछे आप मेरे पीछे देख ही रहे हो, पूरा बद्रीनाथ ये है। तो मैं पहली बार जा रहा हूँ, मेरे साथ हैं तिवाड़ी सर। तो तिवाड़ी सर यहाँ पर पहले भी आए हैं, तो उनसे पूछते हैं कि हम अभी कहाँ जा रहे हैं और किस प्रकार के वहाँ पे नज़ारे होने वाले हैं और क्या क्या हमें वहाँ पे देखने को मिलेगा। मेरे साथ हैं तिवाड़ी जी और ये अभी आ रहे हैं। किरे वो पूरा बद्रीनाथ धाम यहाँ से दिखाई दे रहा है। आज हम लोग जाएंगे नीलकंठ पर्वत से थोड़ा सा नीचे। एक अद्भुत झरना है, एक अलग सी शांति आपको वहाँ देखने को मिलेगी। मन, हृदय, जो भी आप कहो, सब कुछ एकदम शांत हो जाता है। मस्तिष्क, मन, हृदय, सब कुछ एकदम शांत हो जाता है। अलौकिक है इस जगह की माया। बद्री विशाल की इस तपोस्थली की माया ही अलौकिक है। तो यहाँ से अभी कितनी दूर हमें जाना पड़ेगा? अभी हमने लगभग 3 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ेगा। अच्छा, 3 किलोमीटर का ट्रैक करने के बाद जाके हम नीलकंठ पर्वत के बेस पे पहुँचेंगे और तब जाके हम लोग वहाँ से जो दर्रा है वो हमें साफ साफ नज़र आएगा। तो यानी कि आज का जो ये ब्लॉग है बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। जहाँ तक मज़ेदार तो होगा ही, एग्जॉस्टिव भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल, मानसिक और शारीरिक दोनों शांतियाँ आपको ऊपर मिलेंगी। बिल्कुल, ऐसी हमें उम्मीद है। और जो आप लोग भी देख रहे हैं, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप एक लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। और जो लोग भी चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे ये लाल कलर का बटन आ रहा है, इसको आप ज़रूर दबाइए। यदि फेसबुक पे आप ये वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को मेरे आप फॉलो करें, JP भारद्वाज ब्लॉग, आप इसे फॉलो करें। इसी प्रकार के मज़ेदार ब्लॉग आप आगे मिलते रहेंगे। ये आप देखिए, नीचे है आपका बद्रीनाथ धाम और इसके एकदम ठीक अपोजिट में हमें जाना है। यहाँ ऊपर जहाँ आपको बर्फ़ दिखाई दे रही है, यहाँ हमें ऊपर जाना है। अभी एकदम खड़ी चढ़ाई है, तो वहाँ से आपको नीलकंठ पर्वत के एकदम खूबसूरत दर्शन होने वाले हैं, ऐसा मुझे अभी बताया गया है। देखते हैं किस प्रकार का ये नज़ारा होता है। आप बने रहे पूरे वीडियो में, आओ चलते हैं फटाफट। तो दोस्तों, अभी थोड़ा बैठे हम यहाँ पे, एकदम खड़ी चढ़ाई यहाँ से है, थोड़ा यहाँ पे कर रहे हैं हम रेस्ट। यहाँ पे मैं बैठा हूँ और जो आज आपको मैं दिखाने वाला हूँ बहुत ही शानदार नज़ारा होगा, क्योंकि बद्रीनाथ मंदिर तो बहुत लोग आते हैं लेकिन इस नज़ारे को कोई देख नहीं पाता है। तो वही मैं आपको दिखाने का पूरा प्रयास यहाँ से आज करूँगा। लाल मंदिर के सामने हम लोग हैं। खुट्टी रानी है, मेरी खुट्टी रानी है। गीता गोपाल स्वामी। ये है भाई साहब का टॉप जो है, अगर देखा हो आपने। तो दोस्तों, सामने आपको दिखाई दे रहा है नीलकंठ पर्वत, एकदम पूरा साफ यहाँ से अब नज़र आने लगा है। यहाँ पे होटल्स वगैरह भी बने हुए हैं, ठहरने की पूरी व्यवस्था है। ज़बरदस्त नज़ारा देखिए, यह है नीलकंठ पर्वत। खूबसूरत नज़ारा, ज़बरदस्त। और अभी हम जाने वाले हैं उस झरने पे, सामने पे एक वाटरफॉल है। पूरा ख़तरनाक बर्फ हो यहाँ पे हो रखा है, ये आप देखिए, ये बहुत ही ख़तरनाक, एक अलग ही प्रकार का इसमें डिज़ाइन देखने को मुझे मिल रहा है। और ये हैं पूरे नेचुरल आइस क्यूब, ये आप देखिए,
ये देखो, तो यही शानदार गजब नज़ारे मैं आपको दिखाने यहाँ पे लाया था। तो झरने के एकदम ठीक हम पास में आ चुके हैं, ये है यहाँ का वाटरफॉल, ज़बरदस्त झरना ये है। बहुत ज़्यादा आवाज़ इसकी यहाँ पे मुझे सुनाई दे रही है, ये आप देखिए क्या खतरनाक ज़बरदस्त, और बहुत ही ठंडी ठंडी हवाएं यहाँ पे चल रही हैं, एकदम बर्फ़ की बहुत ही ठंडी हवा यहाँ पे चल रही है, बहुत ही ख़तरनाक ही वाटरफॉल है पूरा। आप देखिए पूरा पहाड़ की ये अंदर से आ रहा है, ऊपर आपको ये दिखाई नहीं देगा कहीं भी, ऊपर आपको पूरी चट्टान ये दिखाई देगी, देखो आप ऊपर से लेके नीचे तक कहीं भी आपको इसमें पानी नहीं दिखाई देगा, और एकदम से ये पहाड़ के अंदर से पूरा इतना बड़ा वाटरफॉल निकल के आ रहा है, ये आप देखिए एकदम अद्भुत नज़ारा। जो वाटरफॉल मैं आपको दिखा रहा था एकदम उसके ठीक सामने पे आ चुका हूँ, और बहुत ही ज़्यादा ठंड यहाँ पे लग रही है, और सामने जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये देखिए आप, ये पूरा बर्फ ही बर्फ़ है, लटकी हुई बर्फ़ आपको दिखाई दे रही है, पूरी जमी हुई है, और ये बहुत ही ठंडी ठंडी लहरें यहाँ पर आ रही हैं, खतरनाक। बहुत ही खतरनाक आइस क्यूब, ठंडी ठंडी, पूरा ये बर्फ़ जमा हुआ है, एकदम माइनस डिग्री में यहाँ पे टेम्परेचर है, जहाँ पे मैं अभी आया हूँ माइनस 10 टेम्परेचर यहाँ पे अभी दिखा रहा है, ये आप देखिए पूरा पानी यहाँ से जब आता है और जब नीचे आता है ये पूरा जम जाता है, इतना ज़बरदस्त टेम्परेचर यहाँ पर है माइनस में, माइनस 10 टेम्परेचर भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उम्मीद है दोस्तों आपको आज का ये ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो तब तक करता हूँ मैं आपको टाटा एंड बाय बाय, और मिलता हूँ फिर मैं किसी आपको नए ब्लॉग में।